ಕಾರ್ ಬೇಕಾ? ಅಡ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾ? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇಸ್ ಮುಹಿಮ್ ಕಾ ಮಕ್ಸದ್ ಇಸ್ಲಾಹೆ ಮುಆಶರಾ ಹೈ, ತಾಕಿ ಮುಆಶರೆ ಮೇ ಜೋ ಖರಾಬಿಯಾ ಫೈಲಿ ಹೈ, ಖುಸೂಸನ್ ನಿಕಾಹ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಜೋ ರಸೂಮ್ ವ ರಿವಾಜ್ ಔರ್ ಬೇಹುದಾ ಔರ್ ಫಜೂಲ್ ಖರ್ಚ್ ಜೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಐಸೆ ರಸೂಮ್ ವ ರಿವಾಜ್ ಜಿಸ್ಕಾ ದೀನ್ ಔರ್ ಶರೀಅತ್ ಸೆ ಕೋಯಿ ತಾಲ್ಲುಕ್ ನಹೀ, ಐಸೆ ಜೋ ರಸೂಮ್ ರಿವಾಜ್ ಶುರು ಹೋ ಚುಕೇ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ರಾಯಿಜ್ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಸದ್ದೆ ಬಾಪ್ ಕರ್ನಾ ಮಕ್ಸದ್ ಹೈ. उसी के लिए आज यहाँ यह नशिस्त मुनाकिद की गई थी और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कई हजरात तकरीबन 80-100 के करीब आए थे. इन्होंने अपनी अपनी राय, बेहतरीन राय इन्होंने पेश फरमाई सबों ने. इंशाल्लाह हम इन तमाम राय को सामने रख कर शहर बेंगलूर में खुसूसन और पूरे कर्नाटक के तमाम अजला में हम इसको शुरू करेंगे और इस्लाह की हम सब मिलकर फ़िक्र करेंगे. इसके लिए ये मजलिस कायम की गई और मुस्लिम पर्सनल की तरफ से ये हमको बताया गया और ताकीद की गई कि इसको पूरे कर्नाटक में इसको चलाया जाए. चुनाचे मुस्लिम पर्सनल की तरफ से आसान और मसनून निकाह मुहिम के सिलसिले में कुछ करारदादें भी पास हुई हैं. मुस्लिम पर्सनल की तरफ से हमें पहुंची हैं. इंशाल्लाह उसको भी सामने रख कर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे. हम सब मिलकर सिर्फ उलमा और जितने अमाइदीन शहर हैं और जितने मौजी जितने आइम्मा हजरात हैं और मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं, उन सब को हम बुलाकर उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने मसाजिद के अतराफ व अकनाफ में जो निकाह होते हैं, उन तमाम निकाहों को शरीयत के मुताबिक वो अंजाम दें. इसकी कोशिश करें कि उस निकाह में किसी भी किस्म की शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम न होने पाए, ना दावतों में, ना निकाह की मजलिसों में और ना शादी महलों में. जो मर्दों औरतों का जो इख्तलाफ़ होता है, इख्तलात होता है, वो हरगिज़ न होने पाए. हम इसकी इस सिलसिले में हम तमाम उलमा मिलकर हिदायत जारी करेंगे. हम उम्मीद रखते हैं तमाम अहलिया ने शहर बेंगलूर और तमाम रियासत कर्नाटक के अजला वालों से कि इस पर आप हजरात ज़रूर अमल करेंगे और इसकी फ़िक्र फरमाएंगे कि मुस्लिम पर्सनल्ला की जानिब से जो ऐलान हुआ है कि एक हफ़्ता हम इस मुहिम को चलाएं, इंशाल्लाह 27 मार्च से पूरे सात दिन एक हफ़्ता हम मुहिम चलाएंगे. उसमें बराबर इसकी मेहनत करेंगे और लोगों तक इसकी तफसीलात पहुंचाते रहेंगे और निगरानी भी करते रहेंगे कि निकाह कैसे होते हैं, कहां होते हैं और उनको समझाया जाएगा. ये एक हफ़्ते की मुहिम चलाई खुतबा के ज़रिए आवाम को पहुंचाने का इंतज़ाम हुआ है. बहुत सारी आरा भी हमारे सामने आई हैं कि हमारी रियासत के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए जो तमाम मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल हो. तो इंशाअल्लाह उस पर भी हज़रत अमीर शरीयत की सरपरस्ती में कमेटी तश्कील दिए जाने को अंजाम दिया जाएगा. और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हिदायत जारी हुई हैं, ख़ास तौर पर उन तमाम हिदायत को घर घर पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी. चूँकि इससे मुतालिक नौजवान हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों,
तो इनको भी इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल फेसबुक है, ट्विटर है और यूट्यूब चैनल्स हैं, और छोटे छोटे पोस्ट बनाकर भी लोगों तक पहुंचने और उनके दिमागों पर असर करने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में एक हफ्ते के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी जो गाइडलाइंस हुकूमत की तरफ से इस वक्त हैं उसका ख्याल करते हुए, आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की वजह से भी अब बहुत सारे इशारात मिल रहे हैं, तो उसको सामने रखकर इंशाअल्लाह हज़रात उलमा की निगरानी में जो किया जाना मुमकिन हो वो इंशाअल्लाह करेंगे। अभी हाल ही में हज़रत अमीर शरीयत रियासत कर्नाटक की ज़ेर सदारत पूरे मुल्क के पैमाने पर, मुल्की पैमाने पर 50,000 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन में हज़रत के ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ हुए और इस्तिफादा किया। तो आइंदा हमारी रियासत के लोगों को भी ऑनलाइन जोड़कर हमारे उलमा की बातों को आसान और मसनून निकाह के अनवान से ये जो मुहिम इस वक्त इसका ऐलान हुआ है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुल्कगीर पैमाने पर ये काम लिया जा रहा है, और ख़ुसूसन यहाँ हमारी रियासत कर्नाटक में तमीर शरीयत की सरपरस्ती में तमाम जमातें, मसालिक, मदारिस, मसाजिद और जितने भी हमारे मौक़र इदारे हैं, दानिश्वर हैं, सबका इस सिलसिले में साथ है, और हम सब मिलकर ये एक मुहिम इस वक्त चलाना तय किए हैं। निकाहों के मामले में जो रसूम और इसराफ़ और तबज़ीर का जो मामला है वो एक बहुत हमारे लिए एक सख्त मायूब बात है, और इससे ख़ुसूसन गरीब तबके को अपने बच्चियों की शादी के सिलसिले में जो मुश्किलात पेश आती हैं। Thank you.